हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता पागड़ी। और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ स्टेप कटिंग, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर स्टेप कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लाइंट के बालों को गीला कर लिया है। गीला करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हम कटिंग करते हैं तो वो बहुत ही एक नीट एंड क्लीन होती है। और अब बालों में बहुत ही अच्छी तरह से हम कंघी को करेंगे, क्योंकि कोई भी बाल बैंड नहीं होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे हमने कस्टमर के बाल को, जब भी हम कोई कटिंग करते हैं तो हम अपने क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि उन्हें कितनी लेंथ चाहिए, तो उसी के अनुसार हम कट करते हैं। तो मेरी क्लाइंट को ज़्यादा लंबे बाल नहीं चाहिए थे, उन्हें शॉर्ट बाल ही चाहिए थे। तो मैंने जितने उनके बाल रफली थे तो उनको मैंने हटाकर अलग कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्राउन एरिए के बाल लूँगी और उन्हें ऊपर उठाकर कॉम के साथ बहुत ही लाइटली एक कंघी करते हुए ऊपर ले जाऊँगी। और ये ध्यान रहे कि कोई भी बाल हमारा बैंड ना हो। अब उन्हीं बालों को हम नीचे लाकर कट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये बाल ऊपर ले जाकर अब उन्हीं बालों को मैं 2 इंच के लगभग लाकर नीचे कट कर दूंगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब भी कोई कस्टमर, अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर इनकी एक स्टेप कट हो चुकी है। अब हम दूसरी स्टेप को लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कानों से कानों तक के बाल लिए हैं, यानी कि ये आधे सर के बाल मैंने ले लिए हैं। और जो हमने क्राउन एरिया के बाल कट किए थे उनके साथ मैंने उनको मिक्स कर लिया है। और क्राउन एरिया के बालों के साथ ही हम इसको कट करेंगे। जितने क्राउन एरिया के बाल कट थे उन्हीं के बराबर ये बीच वाले बाल भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं स्टेप कटिंग के। स्टेप कटिंग बहुत ही अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए, ये अब हम सारे बालों को उठाकर ऊपर की तरफ कॉम करेंगे बहुत सावधानी के साथ, यानी कि कोई बाल हमारा बैंड ना हो। और अब हम इन बालों को नीचे लाकर, जो हमारा क्राउन एरिया के बाल थे और हमारे जो हमने बीच के बाल उठाए थे, अब हम उन्हीं के साथ मिक्स करके उन्हीं के बराबर इन बालों को कट कर देंगे। साइड के बाल छोटे होने के कारण बार बार निकल जा रहे थे, लेकिन हमने उनको भी इनके बराबर कट कर दिया है। तो ये है हमारा फाइनल लुक। तो आपको मेरा फाइनल लुक कैसा लगा? तो ये आपको हमारी स्टेप कटिंग कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। तो यहाँ पे ये जो है, मैंने किसी भी मशीन का यूज़ नहीं किया है, मैंने आपको एक सिंपल सी कटिंग करके दिखाई है। अगर इसमें मशीन लग जाती है तो ये और भी सुंदर लुक ले लेते हैं, लेकिन कटिंग करने के बाद भी मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे प्लीज़ कमेंट्स